पांच जिले के जावद क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सखलेचा व उनकी पत्नी संगीता सखलेचा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि कल यानी 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कि कई विधायक व मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नीमच जिले में जावद क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और जावद क्षेत्र में कई जगह कंटेनमेंट क्षेत्र और कई जगह कर्फ्यू तक लगाया गया है। बीजेपी के तीन विधायक देवीलाल भाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, दिलीप सिंह मकवाना जेपी अस्पताल पहुँचे। यह तीनों विधायक बीजेपी विधायक सखलेचा के संपर्क में आए थे। आप देख रहे हैं कमलेश शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट। देखिए, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। और जब हमारे एक साथी को कोरोना पॉजिटिव का जानकारी आप ही के चैनलों के माध्यम से मिली है, तो मैं और देवीलाल जी धाकड़ और दिलीप जी मकवाना, हमारे तीनों विधायक हम साथ में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम बैठे थे भी, और वैसे ही संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ कि ओम सखलेचा जी हमारे संभाग के हैं, दो दिन से हमारे वो साथ थे, कल भी मतदान में साथ थे, परसों भी पूर्व मंत्री पारस जैन साहब के जब हमारा लंच था, हमारा भोजन था, हमारी बैठक थी संभागीय करीब 13-14 विधायकों की, हम सब साथ उनके साथ थे, दो दिन से हम लगभग साथ साथ थे। भाजपा के कार्यालय पर जब हमारी डेमो को लेकर के मीटिंग चल रही थी राज्यसभा चुनाव में कैसे मतदान करेंगे, तब भी वो हमारे आसपास ही थे, तो स्वाभाविक रूप से भोजन भी साथ में हमने किया, स्वाभाविक रूप से हमारी सीट के पास में बैठे, ये सब एक उसको लेकर के हमने फिर इस बात को लेकर के तीनों विधायकों ने तय किया कि चूंकि हम भोपाल में ही हैं, हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो जब इतनी बड़ी जानकारी मिल गई तो क्यों ना हम हमारा परीक्षण करा लें। कुछ ऐसे लक्षण थे क्या आप लोगों को महसूस हुए जिसके बाद आप लोग आए, या एक नॉर्मली चेकअप? नहीं, नॉर्मली चेकअप, इसलिए देखिए कि हमारे साथी को भी कल जब दो दिन से हमारे साथ थे, उनको भी पता नहीं पड़ रहा था कि उनको कोई सिम्टम्स है, जब उनको पता नहीं पड़ी और वो उनमें वायरस था, वो पॉजिटिव निकल गए, तो हमारी इस बात को लेकर के सावधानी है, बतौर सावधानी तीनों विधायक यहाँ पर आए हैं, मैं तो मेरी श्रीमती को भी लेकर के आया हूँ। लेकिन लगता नहीं है कि ये आप लोग तीन लगता नहीं कि लापरवाही, क्योंकि अगर उन्होंने कोरोना सैंपल दिया है तो सैंपल देने के बाद भी उन्हें बताना चाहिए था, उन्होंने बताया नहीं, और सामूहिक रूप से सार्वजनिक जगहों पर भी इकट्ठे हुए। देखिए मैडम, दो तीन चीजों की तो थर्मल टेस्टिंग हमारी कल विधानसभा में भी हुई है, हमारे क्षेत्र में भी करा के आए, लेकिन सैंपल तो हमने नहीं दिया। अगर ओम सखलेचा जी ने दिया है तो इस प्रश्न का जवाब तो वही दे पाएंगे, क्योंकि हमको थोड़ी पता कि उन्होंने कोई सैंपल दिया, ये तो आप उनसे पूछेंगे तो मालूम पड़ेगी। हमने तो हमारा मंदसौर में भी टेस्ट कराया, थर्मल टेस्टिंग कराया, ना हमको फीवर है, ना खांसी है, ना जुकाम है, लेकिन हम सावधानी बरतना चाहते हैं। हम तीन तीन विधायक हैं, एक ही संभाग को प्रतिनिधित्व करते हैं, देवीलाल जी धाकड़ हमारे गरोड़ से हैं, दिलीप मकवाना जी हमारे रतलाम ग्रामीण से हैं, मैं स्वयं मंदसौर से प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इस उसको लेकर के हम यहाँ पर। थैंक यू। आज हमारे नीमच जिले के विधायक भाई ओम प्रकाश सखलेचा जी और उनकी पत्नी पॉजिटिव आई, जब यह समाचार हमको मिला तो हम भी सुविधा की दृष्टि से, सावधानी की दृष्टि से कोरोना की जांच कराने के लिए यहाँ हमीदिया अस्पताल में यहाँ उपस्थित हैं, और सावधानी रखना हम सब लोगों का दायित्व है। कोरोना योद्धा के रूप में आप पत्रकार बंधु आप लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी समाज सेवा के रूप में जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के सब लोग कर रहे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि सावधानी रखना चाहिए, और सावधानी रखने के लिए ही हम अपनी स्वयं की जांच कराने आए हैं। भाई ओम प्रकाश सखलेचा जी के हम संपर्क में रहे हैं, और जब उनकी पॉजिटिव जांच आई है तो हमें भी एकदम चिंता बढ़ी, और इसलिए हम यहाँ सावधानी के लिए जांच कराने आए हैं। नहीं बिल्कुल, अभी हम सीधे जाएंगे और घर में हम क्वारंटाइन रहेंगे, और जांच रिपोर्ट आने के बाद में यदि जैसा भी हमें डॉक्टर निर्देश देंगे उसका हम पालन करेंगे।